हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के लिए जन्माष्टमी स्पेशल कृष्णा जी की फेवरेट मथुरा की पेड़े की रेसिपी लेके आई हूँ। मैं आप लोगों को दो तरह की पेड़े की रेसिपी बना के दिखाऊंगी और दोनों ही रेसिपी 10 से 15 मिनट में बन जाती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, तो उसको उबाल लेंगे। जब दूध में उबाल आ जाए तो गैस को ऑफ कर देंगे। और यहाँ मैंने 1 कप में 2 टेबलस्पून विनेगर लिया है और 1 टेबलस्पून पानी लिया है। दोनों को मिक्स करके दूध में डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। दूध को फाड़ने के लिए आप विनेगर की जगह नींबू की रस भी डाल सकते हो। तो नींबू की रस के साथ भी आप थोड़ा सा पानी मिक्स कर लीजिएगा। जब दूध फट जाए तो एक कॉटन की कपड़ा लेंगे और एक छन्नी ले लेंगे और लेके पनीर को सान लेंगे। तो पनीर को सान लेने के बाद उसको साफ पानी से एक बार धो भी लेंगे, ताकि जो उसका खट्टापन है विनेगर या नींबू तो वो चला जाए। यहाँ मैंने एक पैन में 3 टेबलस्पून गुड़ लिया है, तो गुड़ को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब जो मैंने पनीर बनाया था तो वो डाल देंगे और डाल के बिल्कुल लो टू मीडियम हीट पे दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, जब तक जो गुड़ है वो मेल्ट ना हो जाए। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, जो पनीर के दाने हैं तोड़ के जाएंगे। और जब तक जो दोनों चीज़ है वो इकट्ठा ना होने लगे और जो पनीर का पानी है वो भी सूख ना जाए, तब तक दोनों चीज़ों को भूनते जाएंगे। जब दोनों चीज़ इकट्ठा होने लगे तो यहाँ मैंने 4 इलायची को कूट के डाल दिया है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और पनीर और गुड़ वाली मिक्सर को एक प्लेट पे निकाल लेंगे और फैला के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ मैंने पेड़े को सजाने के लिए थोड़ा सा पिस्ता लिया है और जो पेड़े का मिश्रण है तो उसको मैंने मिक्सी में एक बार चला लिया है। तो आप पल्स मोड में 1-2 बार चला लीजिएगा, तो ऐसे करने से जो पनीर के दाने हैं वो भी स्मूथ हो जाएंगे। आप छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेंगे। तो मैं आज छोटे छोटे पेड़े तैयार कर रही हूँ, आप अगर चाहो तो थोड़ा सा बड़े साइज़ का भी कर सकते हो। और पिस्ता लगा लेंगे और पिस्ता लगा के पेड़े को सजा लेंगे। तो ये देखिए, तो ऐसे ही सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। आप पनीर की जो पेड़े है वो तो रेडी है। आप दूसरी पेड़े की रेसिपी के लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे। अब मैंने 1 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है, तो बिल्कुल लो हीट पे दोनों चीज़ों को भूनते जाएंगे, जब तक जो मिल्क पाउडर है वो डार्क ब्राउन कलर का ना हो जाए। तो बिल्कुल लो हीट पे आपको भूननी है। अगर आपको हीट ज़्यादा लग रहा है तो 1-2 बार पैन को गैस से उतार लीजिएगा। अब मैंने दोबारा 1 टेबलस्पून घी और डाल दिया है और डाल के भूनते रहेंगे। तो जब ऐसे ब्राउन कलर का हो जाए, थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल देंगे और दोनों चीज़ों को मिक्स करते जाएंगे। तो मैंने टोटल 1/4 कप दूध डाल दिया है और डाल के दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जब दोनों चीज़ें इकट्ठा होने लगे तब मैंने इलायची को कूट के डाल दिया है। इलायची को डालने के बाद मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब मैंने 3 टेबलस्पून पाउडर शुगर डाल दिया है। आप पाउडर शुगर की जगह बूरा भी डाल सकते हो थोड़ा सा ठंडा कर लेने के बाद। तो मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके एक प्लेट में निकाल लेंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। अब मैंने पेड़े को सजाने के लिए यहाँ पाउडर शुगर और मिल्क पाउडर दोनों को मिक्स करके ले लिया है। आप छोटे छोटे साइज़ के पेड़े तैयार कर लेंगे। पेड़े के ऊपर पिस्ता लगा लेंगे और जो पाउडर शुगर और मैंने मिल्क पाउडर मिक्स करके रखा था तो उसमें कोट कर लेंगे और पेड़े को तैयार कर लेंगे। आप चाहो तो इस टाइम जो पिस्ता है उसको अवॉइड भी कर सकते हो। और ऐसे ही पेड़े तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ पेड़े में पिस्ता लगा लिया है और कुछ पेड़े में पिस्ता नहीं लगाया है। ये वाली पेड़ा भी बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही टेस्टी पेड़ा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। इस जन्माष्टमी में आप इन दोनों में से कौन सी रेसिपी ट्राई करने वाले हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।